लेकिन AR ही बुला देता हूँ। अनुराग सिंह फिर से बोल रहे हैं, हाँ भैया जी ये सच है, मेरे एक रिश्तेदार जो गुस्से में बार बार बोलते थे कि मर गया तो किसी को नहीं छोड़ूंगा, और भाई हुआ उन्होंने फांसी लगा ली और डर के मारे उन्हें बंधवा दिया उनके घर वालों ने। वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि किसी ने क्या आपको बोल दिया डराने के लिए, तो प्लीज ऐसा नहीं है, खाली पीली इस तरह से बिलीव मत करो। आज देखो मैंने अपने प्राचीन कहानियां की टी शर्ट पहनी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, एक कमेंट को मैं हटाता हूँ। भूषण जी, देखो मैंने प्राचीन कहानियां की टी शर्ट पहन ली है, टी शर्ट्स आ गई हैं, और बच्चों की हेल्प करने के लिए भी आज शाम को मैं जाऊंगा, जहां तक मोस्ट प्रोबेबली, तो सारे बच्चों को आज हम प्राचीन कहानियां की टी शर्ट बांटेंगे। आप लोगों ने जो डोनेशन दी थी उसके माध्यम से ये सारी टी शर्ट्स आई हैं, सारी डिटेल आपको मिलेगी। मैं पहले भी जैसा मैंने बताया था कि मुझे पसंद नहीं है फोटो लेना, कोई डोनेशन देते समय अच्छा नहीं लगता, लेकिन स्टिल आपकी भी जो हार्ड एंड मनी थी उसको प्रूफ के लिए आपको मैं दूंगा, दिखाऊंगा। तो लेट्स सी कैसा जाता है, बच्चे खुश होंगे, स्माइल होंगे, और आप सभी को जिसने भी डोनेशन किया था सबके लिए वो अच्छी वाइब्रेशंस भेजेंगे, और बिलीव मी ये बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता है। जब आपको नहीं पता किस बच्चे के लिए जाएगी, हमें पता कहाँ जाएगी, लेकिन वो आपका पैसा, बस इतना बोल सकता हूँ, एक अच्छी जगह जाएगा, अच्छी जगह लगेगा, किसी के तन पर जब ये पहनी जाएगी तो उनको बहुत अच्छा लगने वाला है। ये मैंने अपने पैसों से मंगाई है साथ में, तो डोंट थिंक कि मैंने उसमें से लिया है आपके डोनेशन में से, ऐसा मत सोचिएगा प्लीज़। मुझे पता है हम कर्मा वाले लोग हैं, तो कैसे कार्मिक अकाउंट वर्कआउट करता है, आज मैं आपका एक पैसा भी लूंगा तो कल को मुझे उसका कितने गुना देना पड़ेगा मुझे पता है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कभी भी कि मैं अपने पैसों के लिए ऐसा कुछ कर रहा हूं। श्रुति कार्ती पूछ रही है, सर आई लॉस्ट माई हस्बैंड ऑन December 22, 2021 बाई सुसाइड। आफ्टर दिस इंसिडेंट ही मीट मी इन माई ड्रीम सो मेनी टाइम्स बट ऑलवेज ही इज क्राइंग, वट डज इट मीन? ठीक है, मैं हिंदी में जवाब दूंगा क्योंकि मेरी ऑडियंस मोस्टली हिंदी में रहती है, शायद आप साउथ इंडियन होंगे तो शायद समझ जाओ। अगर आपको ये आंसर इंग्लिश में चाहिए तो मैं व्हाट्सएप पर कर दूंगा, या हम वी कैन टॉक ऑन कॉल। तो श्रुति जी होता क्या है कि जब उन्होंने सुसाइड से करा है, तो मैं पूरा एक डिटेलाइड आंसर देने की कोशिश करूंगा आपके इस बारे में, आपकी क्या अवस्था है। देखिए जहाँ तक मुझे लगता है आपके हस्बैंड की डेथ हुई है तो आप भी रोते होगे, जब आप रोते हो तो उनको भी परेशान करते हो, ये सबके साथ में है, और सब जिसका भी कोई जाता है वो रोता ही रोता है, कोई एक लिमिटेड टाइम के लिए रोता है, और जब एक माता का और एक बेटे का रिलेशन होता है तो बहुत ज़्यादा तक रोते हैं, उसी तरह जैसे आपका हस्बैंड वाइफ का होता है तो उसमें भी ऐसा ही है। एक बार को हस्बैंड थोड़ा कम हो जाते हैं एक समय के बाद में, पहले उनकी भी फ्रिक्वेंसी ऐसी रहती है, लेकिन मैंने ऐसा देखा है जब फीमेल के सेगमेंट की बात करते हैं तो वो कंटिन्यूसली इस काम को करते हैं, रोते रहते हैं, तो ये भी एक चीज उनको रोने के लिए तो बहुत छोटी सी बात है और बहुत ज्यादा परेशानियों में डालती है। अब वो आपसे मिल नहीं पा रहे होंगे, कैसे करके आप अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे होंगे, इस हिसाब से तो उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो चाहते हैं कि आप ना रो, ऐसा सब कुछ ना करो। मैं सब लोगों से इतना ही बोलता हूँ कि जिसका भी जो कोई गया है बस रो मत, बाकी आप कुछ भी ना करो तो चलेगा, बस रो मत, दे कैन मूव ऑन। लेकिन आप रो रो के अगर चाहते हो कि नहीं वो मेरे पास में रहें जैसे मैं रो रही हूँ या रो रहा हूँ, इसी तरह से दूसरे भी कर रहे हैं जो यहाँ से गए हैं, तो ऐसे काम नहीं होता। और इसमें दूसरा जो कारण मैं बताना चाहूंगा श्रुति जी, ये भी रहता है जब भी कोई सुसाइड करके जाता है, देखिए अनइथिकल है, ये हमारे नेचर के खिलाफ है, जो एक नेचर हमें यहाँ पे भेजता है अपने प्रैक्टिकल करने के लिए, इस कार्मिक अकाउंट को भोग और भोगवाने के लिए, जब हम इसके अगेंस्ट काम करते हैं तो देखिए दिक्कत तो होती है, ऐसा नहीं है, उनके क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, आपने ऐसा क्यों करा, उनको समझाया भी जाता है, और जब वहां जाकर उनको पता लगता है कि मैंने गलत डिसीजन लिया
तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन सुसाइड क्यों करा, क्या आपकी वजह से करा, जैसे मैंने एक पहला किसी का क्वेश्चन था किसी और की वजह से करा, तो वो भी मैटर करता है। आत्महत्या करना, मैंने एक वीडियो में बताया था, यूट्यूब से मुझे एक क्लेम भी मिला था कि कहीं आप, मैं बात कर रहा था मतलब आपके किसी क्वेश्चन के ऊपर, तो यूट्यूब को लगा कि उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को, कि शायद मैं डिप्रेशन में तो नहीं हूँ, मैं तो सुसाइड नहीं करने वाला, तो उन्होंने मुझे बाकायदा एक मेल दिया था यूट्यूब की टीम ने कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ एक लोकल टीम से संपर्क कर लीजिए, हम कॉन्टैक्ट नंबर ये देते हैं, ऐसा करके देते हैं। तो मैंने उनको रिप्लाई करा कि नो नो नो, आई डोंट वॉन्ट, आई एम वेरी फाइन, बट मैं लोगों को ठीक करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने शायद कंसिडर करा होगा, नहीं करा नहीं पता, लेकिन ऐसा हुआ। तो मैं आपको भी वही बताना चाह रहा हूँ कि किसके पीछे क्या वजह रही होगी, कैसे होगा। तो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आर व्हाट्सअप, व्हाट्सअप नंबर इज 7895591900, एंड यू कैन रेज योर क्वेरी, देन वी कैन टॉक अबाउट इट। तो इसके बाद में विनोद विनोद रावत बोल रहे हैं, सर जेठ ने आदमी कोरोना से मर रहा है क्या उनकी, अच्छा जेठ में, ओके आप हिंदी के हिसाब से बात कर रहे हो शायद विनोद रावत जी। जेठ शायद जुलाई को बोलते, जून जुलाई किसी गर्मी का मंथ रहता है, तो मैं श्योर नहीं हूँ, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि आज की जो जनरेशन है हम सारे इंग्लिश के माध्यम से पढ़े हुए हैं तो उन सारी चीज़ों को याद रखते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जेठ ने तो, मैं जेठ में होगा शायद कोई मंथ है ये, जुलाई जून बोलते हैं इसको हिंदी के कैलेंडर के हिसाब से। तो आदमी कोरोना से मरे हैं क्या उनके कार्मिक अकाउंट पूरी हो गए थे, अगर कोरोना नहीं आती तो सब बच जाते, ठीक है, अच्छा सवाल है, थोड़ा हटके लिखा हुआ है तो भी इसमें थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन मैं इसको बिल्कुल समझाऊंगा। देखिए अभी एक फोन कॉल पे था मैं, लास्ट कल एक काउंसलिंग की थी तो उन पे मैं बात कर रहा था, वही सेम क्वेश्चन मैं आपका जो है उनका भी यही था। ओके ठीक है, अभी आ रही है क्या, अभी कोई बता दो। प्लीज कोई कंफर्म कर दो, नॉट ऑडिबल का तो मैसेज आ गया अनुजी का, अभी कोई बता दो। यस ओके थैंक यू। तो मैं पिछले सवालों पे फिर से जाता हूँ। मुझे नहीं पता कि विनोद राउत जी कहाँ तक आपको आवाज आई, लेकिन ये क्वेश्चन मैं फिर से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो जैसे विनोद राउत पूछ रहे हैं कि जो भी लोग कोरोना में गए हैं क्या उनके कार्मिक अकाउंट पूरे हो गए थे, या कोरोना नहीं आता तो वो सब बच जाते। तो देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं बता रहा था कि कल भी मैं एक फोन कॉल पर बात कर रहा था, काउंसलिंग कर रहा था उनकी, तो उनका भी ये सेम क्वेश्चन है जो आपका था, तो उन्हें भी मैंने वही बताया कि जो भी लोग कोरोना से गए हैं आप इसको कोरोना 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 मत समझो, एक 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 बीमारी है, डिसीज है, जिसके हिसाब से दूसरी बीमारी है, जैसे हार्ट की कोई बीमारी हुई है या टीबी की कोई बीमारी है, जो भी कोई एड्स है, कुछ भी है, ये भी सेम उसी के हिसाब से है। मीडिया ने या जो दूसरे संस्थान हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने आपको ऐसा प्रोजेक्ट किया इस चीज को कि ये सब कुछ हटका है, ये बीमारी नहीं है, सब कुछ सबसे हटका है और यही सब कुछ है। मैं आज आपको विनोद जी ये बताता हूँ, दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज जाके स्ट्रक्चर चेक कीजिए, जब कोरोना चल रहा था तब कोरोना से कितनी डेथ हुई थी, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे इंडिया में भी आप कंपेयर कर लीजिएगा, कोरोना से कितनी डेथ हुई थी, और कोरोना के अपोजिट जो दूसरी बीमारियां थे जैसे टीबी है, हार्ट की बीमारी है या दूसरी कोई है, उनसे कंपेयर कीजिएगा, आपको पता चलेगा दूसरी बीमारी का रेशियो ज्यादा आएगा।
आपको डराने के लिए सारी चीजें ऐसे प्रोजेक्ट की जाती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इस कोविड टाइम में बहुत लोगों के मजे हो गए, उनका बिजनेस कभी नहीं चलता था, स्पेशली मेडिकल इंडस्ट्री का, जो फार्मा का बिजनेस रहता है, उनके बिजनेस बहुत ग्रोथ हो गई है, क्योंकि हमने डर डर के बहुत सारी चीजों को खरीदा है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है। अब मैं आता हूँ आपके सवाल पे, क्योंकि बेस था आपको बताने के लिए। जी बिल्कुल, कार्मिक अकाउंट पूरे हो गए हैं। यहाँ पे कोई भी चीज बिना नेचर के अनुमति के नहीं होती, नेचर ही कुछ ना कुछ लगा के भेजता है, चाहे वो दूसरी बीमारी हो चाहे ये बीमारी हो। किसी भी रूप में हमारे अंदर से जो सोल निकलेगी वो निकलेगी, किसी के एक्सीडेंट के माध्यम से निकलती है, किसी के किसी हिसाब से, किसी की दूसरी बीमारी से। तो कोरोना भी उसमें से एक वही है। तो आप इसको स्पेशल मान के, इस तरह से मान के चलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल उनके कार्मिक अकाउंट पूरे हो गए थे, इसी वजह से वो हम सबके बीच चले गए। तो आप इसमें बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं है कि अगर वो यहाँ पर होते तो बच जाते, कोरोना नहीं होता कुछ और होता। कोरोना होता क्यों नहीं, वो होता, नेचर चाहता है कि है, जैसे दूसरी बीमारी है उसके हिसाब से। लेकिन मुझे पता है कि आपकी साइकोलॉजी में इतना सब कुछ ये भर दिया गया ना, तो इसको निकलने में बहुत टाइम लगेगा। अब जैसे मुझ जैसे लोग बहुत कम है, कुछ है, एक और एक दो प्रोफेसर थे वो बता रहे थे कि कोरोना की क्या अहमियत है, कैसे है, कितना खतरनाक है, सारी चीजें।